हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। और मैं हूँ जोगर राजा। आज हम बात करेंगे ब्रेकअप के बारे में कि ब्रेकअप जो होता है हमारी लाइफ में, कभी ना कभी कभी इंसान के साथ ये घटना अपनी लाइफ में एक बार तो होती होती हो। जब फर्स्ट टाइम आपका ब्रेकअप होता है तो जो की हालत होती है वो उसका दर्द वही समझ सकता है जिसके साथ ब्रेकअप हुआ हो और जिनको ये फीलिंग पहली बार आई हो। दुनिया के सारे प्रॉब्लम एक तरफ होते हैं और जो ब्रेकअप का दर्द होता है, जो उस टाइम खोने की आप जो आपने खोया है, आप जो आप फीलिंग जो आप हर्ट कर रहे हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया में ब्रेकअप का दर्द होता है शायद ये सबसे बड़ा दर्द होता है, क्योंकि आपको इस समय दुनिया के कोई भी प्रॉब्लम्स के सामने बहुत ही छोटी लगेगी। शायद आपका रिलेशन क्या हो, कैसा हो, ये कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन आप जिसके साथ दिलो जान से प्यार करते हो उसके साथ आपके सारे सपने टूट जाने हैं। आपका सब कुछ जो फ्यूचर का प्लानिंग हो वो एक ब्रेकअप इस तरह से बर्बाद करते हैं कि आपके सामने ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है। तो मैं आज का ब्रेकअप जो ये वीडियो, इसका टाइटल दिया था कि ब्रेकअप के बाद इंसान एक बेहतर इंसान बन सकता है। तो ऐसा किस तरह से होता है, ये इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बात करूँगा कि ब्रेकअप होता है तब क्या होता है कि आपने किस इंसान के साथ कुछ सपने देखे होते हैं, आपने उसके साथ जो आपने वादा किया, अपना ट्रस्ट दिया था, वो सर का मतलब उन्होंने धड़ से उड़ा दिया होता है, तो आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और टेंशन में आ जाते हो। इसके बाद जो आपको होती है उसको समझ नहीं पाते, लेकिन यहाँ पे उनको धीरज रखने की जरूरत है, सिचुएशन को समझने की जरूरत है। उनको समझना है कि ये प्रॉब्लम कितना बड़ा है, ये सिर्फ आज है, लेकिन आप कुछ दिनों बाद देखोगे तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत छोटा लगेगा और आपको अपने आप पे हंसना आएगा कि मैं किस चीज़ के लिए इतना बड़ा मतलब दुखी हो गया था और क्या क्या करने के बारे में सोच रहा था। तो मैं समझाता हूँ आपको कि ब्रेकअप के बाद एक इंसान होता है कैसे एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो ब्रेकअप के बाद कैसे बनता है एक अच्छा इंसान, उसमें मैं पहली बात करूँगा कि समझ पाते हैं कि विश्वास टूटने का दर्द क्या होता है जब आपका ब्रेकअप होता है, क्योंकि आपने किसी पे ट्रस्ट किया था वो अब तोड़ के चला गया, तो आपको इस चीज़ का महसूस होता है कि जब कोई अपना विश्वास तोड़ता है, अपने साथ रिलेशन रखता है और आपको ऐसे ही छोड़ के चल जाते हैं, अपने सारे वादे या तो उनके साथ जो भी होता है उन सबको एक सेकंड नहीं लगती, तो आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि किसी का विश्वास तोड़ना कितना खतरनाक है, इससे सामने वाले को कितना प्रॉब्लम होगी। तो आप भविष्य में कभी किसी के साथ मतलब रिलेशन हो या किसी चीज़ में किसी का विश्वास जिंदगी में नहीं करोगे, क्योंकि ये आपके ऊपर बीती हुई है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि किसी को विश्वास तोड़ना मतलब कितना दर्द देना होता है। तो आप कभी भी जिंदगी में एक दूसरों का विश्वास नहीं तोड़ोगे। दूसरी बात कि आप सीख पाते हैं बेहतर तरीके से लोगों को पहचानना है। ये चीज़ आपको पहले ब्रेकअप के बाद बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि कभी रिश्ता बनाना हो तो कैसे इंसानों के साथ आप रिश्ता बनाओगे। आप लोगों को अच्छी तरह से जज कर सकते हो, समझ सकते हो, जल्दबाजी में आप रिलेशन नहीं जरूर रख सकते, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि दाती के हाथ दिखाने के कुछ और होते हैं और चबाने के कुछ और होते हैं। इस तरह से इंसानों में भी प्रवृत्ति होती है और रिलेशन में भी ये होता है कि आप अंदर से कुछ और होते हो, दिखाते हो कुछ हो, तो आप लोगों को समझ सकेंगे बेहतर तरीके से। अपना नया रिलेशन या कुछ भी चीज़ में आप लोगों को पहचान में एक्सपर्ट हो जाओगे। तीसरी बात कि आप ब्रेकअप के बाद सकारात्मक हो जाओगे, क्योंकि कुछ दिन के बाद आपका ब्रेकअप होगा और धीरे धीरे आप नॉर्मल होते जाओगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी कि जिंदगी में ये दुखद घटना ऐसी होती रहती है, इसको छोड़ के इसको मूव ऑन करके आगे बढ़ना ही जिंदगी है, ना कि एक चीज़ पे रोना और वहीं पे रुक जाना और अपनी लाइफ को स्पॉइल करना, ये बिल्कुल नहीं है। जब आपको ये सारी चीज़ों से उबर जाओगे, जब आप बाहर आ जाओगे, तो आपको समझ में आ जाएगी कि लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स या घटनाएं होती रहती है, इसमें आपका नज़रिया थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है। और जब भी आपके लाइफ में दूसरी बार ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड से उसको सोल्व करोगे, उसको फेस करोगे। और पांचवी बात करूँ कि प्यार का सही मतलब आपको पता चल जाता है जब ब्रेकअप होता है, तो आपको असल में पता चलता है कि एक फेक प्यार क्या होता है और जो एक सही प्यार होता है उसमें डिफरेंट क्या है, और आप क्या कर रहे थे मैं और उस आदमी ने जिससे कि आपने प्यार किया था, उसमें क्या फर्क था, अच्छा प्यार क्या होता है, गलत प्यार क्या होता, और लोग जो रिलेशन रखते हैं उसमें कितना डिफरेंस होता है। इस तरह से आपको प्यार का मतलब चल जाएगा कि प्यार का मतलब सिर्फ अपनी खुशी नहीं है, दूसरों को कुछ देना या कुछ की सपोर्ट करना ही एक सही प्यार का मतलब है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मैं आपके लिए से बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा जो आपके आसानी से आपको अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।
तो अपना ख्याल रखिए, और जब भी आपका ब्रेकअप हुआ तो ऐसा ही मत समझिएगा कि ब्रेकअप एक बुरी चीज़ है, नहीं है। ब्रेकअप बहुत दर्द देती है, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल है आपको एक बेटर इंसान बनाने। तो जल्दी मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।